तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की हार के यह है तीन सबसे बड़े कारण। ऑस्ट्रेलिया में तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों में ढेर हुई टीम इंडिया। भारतीय बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन से देखना पड़ा हार का मुंह। ऑस्ट्रेलिया के साथ वह तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पहले दो मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी की पहली हार है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से कारण है जिसमें टीम इंडिया को तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। कारण नंबर एक, भारतीय बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन देखने को मिला और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 109 रनों पर टीम अपनी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर हो गई। कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। और सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो विराट कोहली ने 52 गेंदों में 22 रन बना के आउट हो गए। कारण नंबर दो, 109 रनों पर सिमटी पूरी टीम। 102 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के 197 रनों पर ढेर कर दिया। जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया तो वहीं दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों को अपनी पहली पारी से सबक लेना चाहिए था, लेकिन दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने ताश की पत्तों की तरह बिखर गए और मात्र 163 रनों पर ढेर हो गए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने मात्र 76 रनों का लक्ष्य ही रख पाई और भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच में 9 विकेटों के इस मुकाबले को हार गई। नंबर तीन, चेतेश्वर पुजारा का किसी भी बल्लेबाज का साथ न देना। टीम इंडिया दूसरी पारी में मात्र 163 रनों पर सिमट गई, जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने 142 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का था। लेकिन टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का साथ नहीं दे पाया, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को 9 विकेटों से हार कर चुकाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि ये टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया अपने टॉप रैंकिंग से कौन से पोजीशन पर आ गई है और देखना होगा कि फाइनल में क्या करते हैं।